नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर में मैतेई कुकी हिंसा के बीच मुस्लिम मैतेई समुदाय के लोगों ने अपने घरों के बाहर खुद के मुसलमान होने के बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि हमलावर उन्हें मैतेई हिंदू न समझ ले, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मणिपुर की 32 लाख की आबादी में पांगल मुस्लिम लगभग 2.5 लाख हैं। विष्णुपुर के कवाक्ता गांव में अली बताते हैं कि हमें अपनी जान की फिक्र है। राज्य में 46 दिन से हिंसा जारी है। शुक्रवार रात सेना, असम राइफल्स, रैपिड एक्शन फोर्स और राज्य पुलिस ने आधी रात तक फ्लैग मार्च किया। वहीं कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं में से कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर की 10 विपक्षी पार्टियों ने 10 जून को पीएम मोदी को लेटर लिखकर मिलने के लिए समय मांगा था। वे अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी ने सामना के संपादकीय में लिखा कि कुकी मिलिटेंट्स के हमलों से हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन भाजपा ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। क्या वे लोग हिंदू नहीं हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी पार्टी ने कहा कि 3 मई से अब तक 100 से ज्यादा लोग राज्य की हिंसा में जान गंवा चुके हैं, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार अब तक शांति बहाल नहीं कर पाई है।